8 जून से मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जहां अनलॉक 1 के तहत श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मथुरा में दर्शन करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर साफ कराए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर खोलने से पहले पूरे मंदिर प्रांगण को सैनिटाइजर किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने के लिए श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है, किसी भी चीज से हाथ ना लगाए, इसके साथ ही घंटा ना बजाए। मेरा नाम भरत शर्मा है, मथुरा से ही हूँ। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद जो मन को खुशी और आनंद मिलता है वो तो सभी जानते हैं, और ठाकुर जी से अर्जी लगाएं तो सब कुछ, हर परेशानी दूर हो जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि भगवान के दर्शन खुले, आज बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा हुई है सब पर। इससे एक बात तो साफ है कि इस बीमारी के साथ ही लोगों को जीना है और एहतियात बरतनी है। श्रद्धालुओं को सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि श्रद्धालु सुविधा और सुरक्षा से दर्शन करके जा सके। श्री कृष्ण जन्म स्थान के साथ साथ और भी कई जो कि कृष्ण की नगरी मथुरा में मंदिर हैं, उनको अभी नई दर्शनार्थियों के लिए खोला गया, क्या कहेंगे? देखिए, उन सब मंदिर प्रबंधन की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन भाव में देखें तो भगवान का जन्म स्थान पर पहले जन्म हुआ था, फिर वो लीला भूमि में पधारे थे, उसी भाव का पुनः स्थापना हुई है। भगवान कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन दे रहे हैं, अब लीला भूमि के दर्शन शुरू हो जाएंगे।